मेरे चैनल पर जुड़े तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, नमन है। प्रेम से बोलिए जय जय सियाराम। आज हम बात करेंगे रामायण सीरियल में काम करने वाले तमाम कलाकारों का कि वो किस स्थिति में हैं, वो और किन किन लोगों की मृत्यु हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान शंकर का रोल निभाने वाले, जी हाँ, विजय कविश का। विजय कविश एक बहुत ही मजे हुए कलाकार थे और जो भी रोल विजय कविश को मिलता था वो सबको बड़ा ही बेहतरीन तरीके से निभाया था। विजय कविश ने भगवान शिव जी का रोल किया था और इनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु के समय में विजय कविश जी का जो उम्र था वो 88 वर्ष का था। विजय कविश जब टीवी पर आते थे और जब हम लोग इनको देखते थे तो उस समय लगता था ऐसा कि भगवान शिव शंकर जो हैं वो बिल्कुल हमारे घर में टीवी के माध्यम से उपस्थित हो गए हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए एक बार जय जय सियाराम। अब हम बात करेंगे बाल दुलारी का। जी हाँ दोस्तों, बाल दुलारी ने महाराजा दशरथ का रोल निभाया था, बहुत ही शानदार रोल निभाया था। और बाल दुलारी जी का आवाज़ में एक ऐसा जादू था कि जब वो बोलते थे तो उनका बोलने का जो शैली था और उनका शरीर का जो हाव भाव था वो बड़ा ही बेजोड़ था। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अब हमारे बीच नहीं रहे और मृत्यु के समय में इनका उम्र जो था वो 76 वर्ष था। और एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार और रामायण में अपने अदाओं से जान डालने वाले कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहे। अब हम बात करेंगे दारा सिंह का। जी हाँ दोस्तों, भारत के बेहतरीन पहलवान और नामी गिरामी पहलवान में से इनकी गिनती होती थी और इन्होंने कई रोल किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिला इनको वो रामायण में जो हनुमान का रोल किया उसमें इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिला और सम्मान भी मिला। और अब इनके जीवन का मानिए कि सबसे बेहतर क्षण भी था तो वो इसी का रोल का था और मृत्यु के समय में इनका जो उम्र था वो 83 वर्ष था। इसके बाद बात करते हैं नलिन दावी का। जी हाँ दोस्तों, नलिन दावी ने कुंभकर्ण का बहुत ही बेहतरीन रोल किया था और ये काफ़ी बेहतरीन कलाकार भी थे। टीवी पर इनका डिमांड ही बहुत ज़्यादा था, छोटे छोटे सीरियलों में भी बहुत काम करते थे। और जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय इनका उम्र जो था वो 50 वर्ष था और कुंभकर्ण का इतना शानदार रोल निभाया था इन्होंने कि अगर आपने कभी टीवी पर रामायण आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको इनका जो रोल था वो आज भी आपको बहुत पसंद आता होगा। और याद करिए वो दिन, वो समय जब आज से 30-35 वर्ष पहले रामायण टीवी पर चलता था और जब कुंभकर्ण सोए हुए रहते थे तो कैसे सीढ़ी लगा लगा करके इनके ऊपर लोग चढ़ता था, कैसे इनको जलेबी खिलाया जाता था, वो सब सीन आज भी आंख के सामने जब नचता है, चलता है तो लगता है कि रामायण 30 साल पहले नहीं, रामायण आज भी बनता तो भी अच्छा ही था। और आज जितना भी रामायण बना, वो जो रामानंद सागर की जो रामायण बनी उससे बेहतर आज भी कोई नहीं है। अब बारी आता है श्याम सुंदर कलानी का। जी हाँ, श्याम सुंदर कलानी ने रोल किया था सुग्रीव का, बहुत ही बेहतरीन रोल किया था। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है और जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनका जो उम्र था वो 80 वर्ष था और ये इतना बेहतरीन कलाकार अब हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन सुग्रीव का जो ये रोल इन्होंने किया वो इस रोल से ये अजर अमर हो गए और अब ये कभी भी भारतीय जनमानस से ये बाहर नहीं हो पाएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं ललिता पवार का। जी हाँ, ललिता पवार ने मंथरा का जो रोल रामायण में किया था वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। ये रोल निभा करके मंथरा जो हैं वो अमर हो गई और मृत्यु के समय में इनकी उम्र जो था वो 81 वर्ष था। ये कई और भी सीरियल में काम किए हैं, कई सिनेमा में भी ये काम किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको रामायण में मिली। और इस के लिए उतना पैसा तो फिल्मों जितना पैसा तो नहीं मिला इनको, लेकिन इनमें इनकी प्रसिद्धि बहुत मिली, इनका नाम बहुत हुआ और लोग इनको जाना, पूरे देश दुनिया में इनको जाना। और एक्टिंग के वजह से ही इनका जो एक आँख है वो एक्टिंग के वजह से ही ख़राब हो गया था और फिर भी इनमें काम करने का जो ललक था वो जारी रहता। अब बात करते हैं अरविंद त्रिवेदी का। जी हाँ, अरविंद त्रिवेदी जी ने रामायण में रावण का रोल किया था और बहुत ही बेहतरीन रोल किया था। इनका बोलने का जो शैली था, इनका शरीर का जो हाव भाव था वो तो बहुत ही शानदार था। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के समय में इनका जो उम्र था वो 82 वर्ष था और 82 वर्ष की उम्र में
ये हम लोगों के बीच से ये चले गए। अब बात करेंगे चंद्रशेखर का। जी हाँ, चंद्रशेखर ने सुमंत का रोल किया था दोस्तों, और ये महाराजा दशरथ के बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे सारथी, बहुत अच्छे मंत्री, यानी कि महाराजा दशरथ के परिवार के सदस्य थे। और इन्होंने जो सुमंत का रोल किया था, इनका जो आवाज़ था वो तो गजब का। ये अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, और मृत्यु के समय में इनका उम्र 97 वर्ष था, और 97 वर्ष की उम्र में ये हम लोगों के बीच से चले गए। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु श्री राम, आप अपने श्री चरणों में सुमंत जी को स्थान दें, भगवान जो आपके परिवार के सदस्य रहे थे। जय श्री गढ़कर। जी हाँ, जय श्री गढ़कर ने रोल किया था कौशल्या माता का। जी हाँ, बहुत ही शानदार रोल था। इनकी आंखें में गजब का चमक था, गजब का विश्वास था, आत्मविश्वास लगता था। लेकिन हम लोगों के बीच में ये अब नहीं रही, और मृत्यु के समय में इनका जो उम्र था वो 66 वर्ष था, और इस 66 वर्ष की उम्र में ये हम लोगों से दूर हो गई। और हालांकि ये दूर अवश्य हो गई हम लोगों की नज़रों से, लेकिन दिल से आज भी ये बरकरार हैं दिल में। मुकेश रावल। जी हाँ दोस्तों, मुकेश रावल ने रोल किया था विभीषण का, बड़ी ही शानदार रोल था। और ये अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, और ये 65 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई। जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय उनका जो उम्र था वो 65 वर्ष था, और विभीषण का ये बहुत ही बेहतरीन रोल किया था। और ऐसे भी टीवी सीरियल पर का ये काफ़ी एक्टिव कलाकार में से थे, और अच्छी खासी फीस थी इनकी। उसके बाद बात करते हैं रजनीवाला का। दोस्तों रजनीवाला का रोल किया था सुमित्रा का। जी हाँ, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ये बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के समय में ये मात्र 36 वर्ष की थी, और 36 वर्ष के इतनी कम उम्र में ये हम लोगों के पीछे चली गई। अब बात करेंगे संजय योग का। जी हाँ, संजय योग पहले ये लक्ष्मण के रूप में इनका चयन हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि संजय योग के पास समय नहीं था, इसलिए भरत का रोल के लिए इन्होंने अपना सहमति दिया कि मैं भरत का रोल करूँगा, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन देखिए संजोग क्या होता है कि ये कहे थे कि मेरे पास समय नहीं है, और बहुत ही कम समय में इनकी मृत्यु भी हो गई, मात्र 40 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से रोचक, ज्ञानवर्धक, एनर्जेटिक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे संजीत सिंह जो ब्लॉग है उसमें आप बने रहें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि किस तरह का आपको और वीडियो देखना है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय सियाराम, जय जय सियाराम।